जय जय श्री राधे, सभी को स्वागत है आपका लन किचन गार्डनिंग उत्सव चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बिगनर्स के लिए कुछ गार्डनिंग टिप्स के ऊपर बात करेंगे। कुछ हम आपको ऐसी स्पेशल गार्डनिंग टिप्स देंगे कि ताकि आप जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी किचन गार्डनिंग, वो भी शुरू कर सकेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं उसका खास ख्याल रखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इस समय अभी बारिश का समय चल रहा है, मानसून चल रहा है, 2-3 दिन से ज़बरदस्त बारिश हो रही है हमारे MP में, जबलपुर में देखेंगे पूरी तरह पानी पानी ही है। हमारे किचन गार्डन का ड्रेनेज अच्छा है, इसलिए इस वजह से पूरा पानी बह जाता है, वरना रुकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये मानसून जो है सीज़न, वह बहुत अच्छा सीज़न है हमारे किचन गार्डनिंग करने के लिए। बहुत ही अच्छे से इस समय पर वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं, बहुत ही अच्छी वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम आपसे बात करेंगे कि अभी हमारा किचन गार्डन थोड़ा सा हरा भरा इस तरफ का नहीं है, क्योंकि अभी ये बेलें निकल रही हैं, बेलें बड़ी हो रही हैं। अभी हमने इधर पर, हम आपको बता दें क्या सीड सोइंग करी है। इसमें हमने कुछ बीन्स के पौधे सीड सोइंग करी बीन्स की। इधर पे कुछ ककड़ी की सीड सोइंग करी है। और अगर हम आपको इस तरफ पर लाएँ तो ये 2 कंटेनर में हमने, एक में टमाटर की सीड सोइंग करी है और एक में बैंगन की। और ये देख लें आप लोग, मीठी नीम देख लें, बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग किचन गार्डनिंग सेटअप का हम आपको दिखाते जाएंगे और बात भी करते जाएंगे। सबसे पहले तो किचन गार्डन सेटअप करने के लिए हमको चाहिए कंटेनर्स। कंटेनर साइज़ बहुत ज़रूरी है। कंटेनर के अंदर जो मिट्टी, सॉइल मीडिया हम लोग भरेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमको कंटेनर चाहिए। तो कंटेनर हम लोग इतने बड़े कंटेनर से यूज़ शुरू कर सकते हैं, जो भी वेस्ट कंटेनर्स होते हैं हमारे, हम उनसे शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है अभी हम शुरुआत से ही बहुत अच्छे अच्छे महंगे महंगे ग्रो बैग्स खरीदें या बहुत अच्छे पॉली बैग्स खरीदें। नहीं नहीं अभी आपको ज़रूरत नहीं है, अभी तो नहीं खरीदते हैं आप लोग। जो भी हमारे किचन वेस्ट कंटेनर्स रहते हैं, बोरी हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे इस तरफ हमने बोरी यूज़ की, अधिकांश ज़्यादातर आपको बोरी दिखेगी। एक ये 2 ग्रो बैग हमने जब 4-5 साल किचन गार्डनिंग कर ली उसके बाद लिए हैं। अब हम आपको अंदर दिखाते हैं अपने कंटेनर्स जो तैयार रखे हुए हैं। ये देखें, ये सब वेस्ट कंटेनर्स हैं, टब हैं, ये डिब्बे हैं, ये सब वेस्ट है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखें सबसे पहले सॉइल प्रिपरेशन की बात करें हम लोग। तो अगर आप लोग पहली बार गार्डन सॉइल प्रिपेयर करते हैं अपने किचन गार्डन के लिए, तो 30% के करीब आपको मिट्टी लगेगी, 30% सॉइल और 30% आपका गोबर का खाद, 60%। अगर आप लोग चाहें मिट्टी को हल्का बनाना तो कोकोपीट मिला सकते हैं, वरना तो 60% सॉइल होगी, 30% आपका गोबर खाद होगा और 10% राख, नीम खली, ये सब होगा। तो इस सबको आप लोग पहली बार में आपको इतना चाहिए है, फिर उसके बाद में आप लोग 3 साल तक 10% भी खाद डाल के यूज़ कर सकते हैं मिट्टी को, बहुत अच्छा रिज़ल्ट वो आपको देगी। और जो कि हम बात करें बारिशों की, वो बारिश बहुत ही अच्छा सीज़न होती है किचन गार्डनिंग करने के लिए, फ्लावर्स लगाने के लिए। तो इस समय आप लोग अपने नर्सरीज घूमें, अगर आपको पौध तैयार मिल जाए तो आप लोग पौध ले सकते हैं, या फिर आप लोग सीड्स अगर ग्रो करना चाहें तो सीड्स ले सकते हैं। 10-10 रुपीज़ के पैकेट आते हैं। सीड में ये फ़ायदा रहता है, सीड्स थोड़े से सस्ते पड़ते हैं। एक पैकेट सीड में कम से कम 10 बीज रहते हैं 10 रुपये वाले सीड्स में। तो आप लोग कम से कम 10 आपके प्लांट, नहीं तो 7-8 प्लांट तैयार होंगे। और अगर हम लोग 10 रुपये की एक पौध लेते हैं तो वो तैयार पौध होती है, इस वजह से हमको 10 की 1 मिलेगी। तो इस वजह से पैसे थोड़ा सा आपका कम बजट है, तो आप लोग पहले सीड्स लें, मिट्टी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, उसके बाद ग्रो बैग्स में भर लें। और हम पौध कैसे तैयार करेंगे, पौध इस तरह से तैयार होती है। देखिए हम लोग ऐसे बीज बो देते हैं, 10 से 15 दिनों में, 20-21 दिनों में सारी पौध इस तरह से तैयार हो जाती है। जब 2-2 पत्ती आए तब आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। देखें गिलकी के प्लांट हैं, ये सभी हमने शिफ्ट कर दिए, ये शिफ्ट कर दिया, ये थोड़ा सा रूट्स के साथ निकाल के किया था, रूट बाउल के साथ नहीं किया था, इसलिए देखिए इसकी हालत, ये तो ख़त्म ही हो गया है फ्रेंड्स, ये वाला प्लांट गल गया है एकदम पूरा बारिश में। बारिश हमारे यहाँ 2 दिन से बहुत तेज़ पड़ी, बाकी ये वाला प्लांट आप लोग देखिए एकदम स्वस्थ पेड़ है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें, रूट बाउल के साथ में इसको शिफ्ट करें। मानसून का सीज़न में हमें ऐसी कोई खास परेशानी नहीं जाती है प्लांट शिफ्ट करने को लेकर के, जैसा कि हम लोग अगर गर्मी वगैरह में शिफ्ट करें तो वो तुरंत डाई हो जाते हैं, रूट बॉल के साथ भी करें तो हमें इस समय पर ये समस्या नहीं जाती है। और आप लोग शुरू करें
हम आपके साथ में हैं, आप लोग अब कमेंट करके बताएं क्या दिक्कत जाती है। ये देखिए बेल के प्लांट है, इस तरीके से हम लोग सभी तैयार कर लेते हैं। बैंगन है, टमाटर है, टमाटर आप लोग अपने किचन गार्डन का ही, सॉरी किचन में जो आता है उसी के बीज आप लोग सो कर सकते हैं। और जो कि बैंगन वगैरह है उसके आपको सीड लेने होते हैं। ये देखिए कि लौकी का प्लांट भी निकला हुआ, सब इनमें सीड सभी में है। अब देखते हैं कितने दिनों में जर्मिनेट होते हैं। हमने थोड़े गर्मी में ही सो कर दिए थे, 15 से 18 दिन हो रहे होंगे, तो बहुत जल्दी ही निकलेंगे सभी को उम्मीद है। बस इस तरह से हमारा भी किचन गार्डन में चलता रहता है। बिगनर्स लोग भी अभी आप ज़रूर से स्टार्ट करें, बहुत अच्छी आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। और अभी आप लोग क्या क्या लगा सकते हैं थोड़ा सा अगर हम लोग उस पर बात करें तो गिलकी, लौकी, करेला, कद्दू, ककड़ी, शिमला मिर्च, बैंगन, टमाटर, मिर्ची, साथ ही साथ और भी आपके जो 56 कद्दू हैं, कोई कलिंदर है वो भी लगा सकते हैं। अभी ये सब लगेगा। और फ्लावर्स में देखिए गेंदे वगैरह लगेंगे, ये कितने बढ़िया ये हमारा ये ब्लूम हुए हैं पोर्चुलाकास, तो ये सब आप लोग अभी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। खूब अच्छे से आपके अभी किचन गार्डनिंग होगी। जो कि लोग फ्रूट्स प्लांट लगाना चाहते हैं वो आप फ्रूट प्लांट भी लगा सकते हैं। और जो कहते हैं कि वेजिटेबल्स में बहुत मेहनत है, नहीं जी, जब सीज़न चेंज होता है तब थोड़ी सी मेहनत पड़ती है। आप लोग शुरुआत में एकदम से 50-100 कंटेनर से मत शुरू करें, 10 से 20 कंटेनर्स में शुरू करें। फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो था, आपके लिए हेल्प करेगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे सभी को।